इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, विवादों से घिरी फिल्म द कैरल स्टोरी आज सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है और फिल्म को लेकर पिछले कुछ दिनों से काफी बवाल मचा हुआ है। और लेकिन हालांकि इससे फिल्म की जमकर पब्लिसिटी भी हुई और फिल्म में तीन ऐसी लड़कियों की कहानी का पर्दे पर दिखाया गया है जिनमें धर्म बदलकर ISIS में शामिल कर दिया जाता है और इसके लिए लड़कियों को प्रताड़ित भी किया जाता है। जो अब यह फिल्म आज सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है और फिल्म में ये भी बताया गया है कि केरल में ऐसी लड़कियों की संख्या 32,000 से ज्यादा है और इस आंकड़े को लेकर काफी विवाद हुआ और फिल्म मेकर्स की ओर से कहा जा रहा है कि संख्या पर ध्यान देकर मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि फिल्म को लेकर मचे बवाल के बीच कई जगहों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है और द केरल स्टोरी को लेकर तमिलनाडु में हाई अलर्ट जारी किया है और माना यह भी जा रहा है कि फिल्म देखने के बाद इसे लेकर विरोध हो सकता है। वहीं कई जगहों पर फिल्म को बैन किए जाने की भी मांग की गई है। हालांकि इसे खारिज कर दिया गया है लेकिन केरल में भी फिल्म को बैन नहीं किया गया और इसी के मुताबिक द केरल स्टोरी को लेकर फैंस में काफी क्रेज देखने मिल रहा है और फिल्म की स्टोरी और विवाद ने इसकी जमकर पब्लिसिटी की है। और रिलीज से पहले दिल्ली के JNU में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई जहां फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने यह भी कहा कि हमने जो आंकड़े दिखाए हैं वो सच है और हमने अपनी रिसर्च के आधार पर ये आंकड़े जुटाए हैं और सरकार की ओर से इस बारे में RTI दाखिल करने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया।